तुला राशि वालों, 8 फरवरी बृहस्पतिवार का दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में सूर्य के प्रभाव के साथ सिद्धि योग में जब दिन की शुरुआत होगी तो दिन आपके लिए सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला, सफलता कामयाबी देने वाला, सौभाग्य से जीवन में उन्नति तरक्की लेकर आएगा, क्योंकि सूर्य आपके लिए लाभ का स्वामी है। आपकी कुंडली के सुख भाव में चतुर्ग्रही राजयोग बना रहा है। बुध, मंगल और चंद्रमा के साथ सूर्य की युक्ति हो रही है। कर्म स्थान पर सूर्य चंद्रमा मंगल की दृष्टि है। सूर्य लाभ का स्वामी है तो चंद्रमा कर्म का स्वामी, बुध भाग्य का स्वामी है तो मंगल धन का स्वामी। जब आपके कर्म स्थान पर सूर्य चंद्रमा मंगल बुध की दृष्टि पड़ेगा, कर्म का भाव जागृत हो जाएगा और अपने कर्म से आप जीवन में बहुत कुछ पा लेंगे। बृहस्पति का सप्तम भाव में गोचर करना और लग्न के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ना आपको बड़ा प्रभावशाली बनाएगा। वहीं शुक्र का पराक्रम भाव में बैठकर आपके भाग्य स्थान को देखना, शुक्र लग्नेश है, लग्नेश जब भाग्य को देखता है तो भाग्य जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। शनि कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहा है जबकि केतु द्वादश में और राहु छठे भाव में गोचर कर रहा है। नौकरी से, व्यापार से धन कमाएंगे, जीवन में मान सम्मान पाएंगे, समृद्धि की प्राप्ति भी होगी, आलस का त्याग करेंगे, जीवन सफल हो जाएगा। सफलता कामयाबी का सुंदर योग आज आपकी कुंडली में बन रहा है। तो तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं विस्तार से आज का तुला राशि फल। जय श्री राम, जय हनुमान, ओम श्री हनुमंते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान, निश्चय प्रेम प्रतीत ते, विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। 8 फरवरी बृहस्पतिवार का दिन सिद्धि योग है, त्रयोदशी तिथि है, माघ माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में सिद्धि योग में सूर्य के प्रभाव के साथ दिन की शुरुआत होगी। चंद्रमा धनु राशि में 10:04 तक, उसके बाद मकर राशि में गोचर करेगा। जैसे ही चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा आपकी कुंडली में चतुर्ग्रही राजयोग का निर्माण होगा। ऐसा राजयोग जो आपके जीवन को सुंदर बना देता है, ऐसा राजयोग जो चारों तरफ से जीवन में खुशी और सुख लेकर आता है। आज सूर्य मकर राशि में चंद्रमा के साथ बुध और मंगल के साथ गोचर कर रहे हैं। सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन, धनिष्ठा नक्षत्र में सूर्य का गोचर करना मंगल से प्रभावित होकर आपके लिए शुभ फल सौभाग्य लेकर आया है। आज पूर्व दिशा और उत्तर दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत करेंगे, दिन आपके लिए शुभ होगा। आज आप दक्षिण दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत बिल्कुल ना करें, क्योंकि आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, सूर्य आज स्वामी है। सूर्य के प्रभाव से जीवन में उन्नति तरक्की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। सूर्य इस समय आपकी कुंडली में चतुर्ग्रही राजयोग का निर्माण किया है जो आपके कर्म स्थान को प्रभावित कर रहा है। आज सूर्य, चंद्रमा, बुध और मंगल आपकी जीवन में अनेक प्रकार का सुख, संपत्ति, सौभाग्य और लाभ का अवसर बनाएगा। आज आपकी कुंडली में बृहस्पति भी बड़ा शुभ है, क्योंकि बृहस्पति आज चंद्रमा के साथ, मंगल के साथ, सूर्य के साथ चतुर्दशम योग बना रहा है। यानी आपके कर्म भाव आज बृहस्पति के प्रभाव से भी प्रभावित हो गया है। जब कर्म स्थान शुभ ग्रहों से प्रभावित हो जाता है तो वैभव संपन्न जीवन होता है। अपने कर्म से आप धन कमाते हैं, अपने कर्म से सुख पाते हैं, कर्म से भाग्य बदलता है, भाग्य से
तरक्की और सुख की प्राप्ति होती है, अशुभ प्रभाव आपके जीवन से नष्ट हो जाता है। शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में आज भाग्य भाव को प्रभावित कर रहा है। भाग्य को जब शुक्र प्रभावित करने लगता है तो अनिष्ट जीवन का दूर हो जाता है, सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। दिन आपके लिए तरक्की खुशखबरी लेकर आया है, क्योंकि शनि के धन भाव में राहु का गोचर है। शनि आपकी कुंडली के लाभ स्थान को प्रभावित कर रहा है, वहीं केतु शुक्र के साथ चतुर्थ दशम योग बना रहा है और शुक्र राहु के साथ चतुर्दशम योग बना रहा है, यानी शुक्र केंद्र में है, एक तरफ राहु है, एक तरफ केतु है। यश कीर्ति का पताका चारों ओर लहराएगा। अधिकार क्षेत्र में इच्छा की पूर्ति होगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी के क्षेत्र में बहुत कुछ पा सकते हैं। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार के क्षेत्र में बहुत कुछ कमा सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति सूर्य से प्रभावित है। चार ग्रहों का योग आपकी कुंडली में आज चतुर्ग्रही राजयोग का निर्माण कर रहा है, जबकि मंगल सूर्य के साथ आदित्य मंगल योग और बुध सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग सूर्य बड़ा प्रबलता से आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है। आज आपके अंदर धैर्य होगा, साहस होगा, जल्दीबाजी में किसी भी काम को ना करें, जल्दी आप उत्तेजित ना हो, सोच समझकर जो भी काम करेंगे वो काम आपके सफल हो जाएंगे। जीवन में सुख भी बढ़ेगा, सौभाग्य का लाभ का अवसर भी मिलेगा। धन और पैसे के मामले में दिन बड़ा शुभ रहने वाला है। स्टूडेंट के लिए जीवन में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि जब सूर्य के शुभ प्रभाव से आप प्रभावित होते हैं तो जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। चंद्रमा जब सूर्य के साथ गोचर करता है तो बहुत लाभ होता है, आपके संपर्क बढ़ेंगे, बहुत सारे लोगों से आपका मेल मिलाप होगा, जो आगे जाकर आपको लाभ देगा। रुका हुआ धन भी प्राप्त हो जाएगा और आपके काम में तरक्की देखने को मिलेगी। उन्नति से आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। अवसर आपके जीवन में बहुत मिलेंगे, उन अवसर का लाभ उठाकर जीवन में आप बहुत कुछ पा सकते हैं। मांगलिक मेला में लाभ का योग है। नौकरी की बात करें तो आपके लिए दिन बड़ा शुभ है। जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं आप अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे, अवश्य ही आपके जीवन में कोई बड़ी खुश। आज आपका पारिवारिक सुख बढ़ेगा। आज के दिन अति उत्साह से बचे, उत्साह रखे पर अति उत्साह से बचे, जीवन खुशहाल हो जाएगा, निसंकोच आप आगे बढ़ते जाएंगे। समय आपके लिए अपने अहंकार को त्याग कर रिश्तों को मजबूत करने का है। प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी हैं तो चिंता छोड़कर अपने काम को पूरा करने का समय आ गया है। साहस आत्मविश्वास से शुभ समाचार कार्य की तरक्की जीवन में आपको आनंदित कर देगा, ऐसा योग बन रहा है। महत्वपूर्ण काम आपके पूरे हो जाएंगे। लव लाइफ में प्यार बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत बेहतर है। शुक्र जब शुभ होता है तो संतान से भी खुशी मिलती है, जीवन साथी से भी खुशी प्राप्त होती है। सोच समझकर अपने काम को करते जाएंगे तो मेहनत से सफलता, कामयाबी, खुशखबरी की प्राप्ति होगी। किस्मत आपका साथ देगा, जीवन की बाधा खत्म हो जाएगी और जीवन आपको गौरवान्वित महसूस कराएगा। ऐसा योग हो रहा है, ऐसा योग बन रहा है जो आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। चंद्रमा आज बड़ा शुभ फल देने वाला है, क्योंकि चंद्रमा आज सूर्य मंगल के साथ गोचर कर रहा है। धन भी कमाएंगे, सौभाग्य का वरदान भी पाएंगे, जीवन से कष्टों का अंत भी होगा। आज का दिन आपके लिए बेहतर दिन है, जो लाभ देगा, तरक्की देगा, मांगलिक कार्य आपके जीवन में होंगे और आज का दिन आपके लिए शुभ दिन होगा, जो जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की का अवसर लेकर आएगा। शुभ संयोग में सुख समृद्धि आपके जीवन में बढ़ेगी, शुभ संयोग में लाभ धन का अवसर मिलेगा। परिवार के साथ खुशी से आप दिन व्यतीत करेंगे, आपके लिए दिन बड़ा सौभाग्यशाली, भाग्यशाली, बड़ी उपलब्धि देने वाला
आज का दिन बड़ा तरक्की और खुशहाली लेकर आएगा। सभी बाधाओं को दूर करने में आप सक्षम होंगे, अपने जीवन में बहुत कुछ पाएंगे। आत्मविश्वास को बनाकर रखें, निश्चित ही आपके लिए कोई नया काम आरंभ होगा और आने वाले समय में बहुत धन और सुख की प्राप्ति भी करेंगे, क्योंकि आज सूर्य की स्थिति बेहतर है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, सूर्य बहुत कुछ देता है, सूर्य आपके लिए सुख सौभाग्य लेकर आता है, तरक्की उन्नति का सुंदर योग बनाता है। आज अमृत काल रात 8:28 आपके लिए बड़ा ही शुभ साबित होने वाला है। वहीं अभिजीत मुहूर्त 12:13, विजयी मुहूर्त 2:25 और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:21 दिन आपके लिए तरक्की खुशहाली लेकर आएगा। राहु काल 1:58 से 3:20 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें, दक्षिण दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लकी कलर व्हाइट होगा, लकी नंबर 1 होगा, भाग्य आपका अच्छा है, जीवन में तरक्की उन्नति खुशहाली का योग है, सुख भी पाएंगे, तरक्की भी होगी, खुशखबरी की प्राप्ति भी होगी। भाग्य आपको बहुत कुछ देगा, भाग्य के सितारे बुलंद हैं।